अवैध शराब और गुटखा बेचने वालों के खिलाफ गढ़वा में बड़ी कार्रवाई की गई। नगर उटारी पुलिस ने देर शाम सब्जी मार्केट और थाना गली में छापेमारी कर बियर, देशी शराब और भारी मात्रा में गुटखा व अन्य सामान बरामद किया है। थाना प्रभारी लाल बिहारी प्रसाद के नेतृत्व में की गई कार्रवाई में किंगफिशर बियर, केन बियर, कई ब्रांड के अंग्रेजी शराब की बोतलें और इसके अलावा देशी शराब भी बरामद किया गया है। पुलिस ने मौके वारदात से 3 बोरा से अधिक अनेक प्रकार के गुटखा भी जब्त किया है। पुलिस ने इस दौरान होटल के स्टाफ सूरज सिद्दकी को भी हिरासत में लिया है। बाकी लोग पुलिस को देखकर फरार हो गए। थाना प्रभारी ने बताया कि जितेंद्र कुमार उर्फ बड़कू के होटल में अवैध शराब व गुटखा बेचने की गुप्त सूचना पुलिस को मिली थी, जिसके आधार पर कार्रवाई की गई। छापेमारी में जहां भारी मात्रा में शराब व गुटखा बरामद किया गया है, वहीं ऐसे धंधा करने वालों के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। उन्होंने कहा कि जल्द ही फरार आरोपियों को भी पुलिस पकड़ लेगी। छापामारी आज की गई है, क्योंकि अवैध रूप से बियर बार चलाना, दुकान चलाना, ये सब अपराध है। इसके विरुद्ध में जो छापामारी किया गया है, तो यह दुकान जो जितेंद्र कुमार उर्फ बड़कू और छन्नू कुमार गुप्ता, ये दोनों भाई हैं, दोनों पिता स्वर्गीय है, इन्हीं के द्वारा है जो कि दुकान चलाकर और होटल में छिपा कर ये सब बिक्री करने का काम करते थे और लोगों को बैठाकर जमावड़ा लगा पिलाते थे। इनके विरुद्ध अभियान चलाकर छापामारी किया गया है।